मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे लज्जा शंकर पांडे संघर्ष का या गोकुल पंडित दुश्मन का, ये जो किरदार थे, अब या तो इनसे बड़े किरदार हम लाएं, कहने का अर्थ है कि या तो उससे बड़ा हो या उससे अलग हो, राइट। तो अब उससे बड़ा तो कोई आया नहीं, तभी लोग जीवन भर फिल्में करते हैं और लोगों किरदार और फिल्में याद नहीं रहती, अच्छा अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं उन भाग्यशाली और गिनती के लोगों में हूँ जिसके किरदार और जिसकी फिल्में आज भी लोगों के जहन में बरकरार हैं, जिंदा हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर उसको देखें कि अंडर यूटिलाइजेशन की हम बात करें, कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज की तारीख में जो उपलब्ध हो सकता था वो हम चुनते चले जा रहे हैं, और उन चुनावों में उसके प्रतिसाद और परिणाम भी हमको मिलते चले जा रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में होते हुए हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, ये तब सवाल हो सकता है जब पता लगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशुतोष राणा को मिला और आज के बाद सिनेमा नहीं करेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड या ओवर यूटिलाइज्ड। मुझे ये बात, आपका ये सवाल जो है, बड़ा आनंदित कर गया। मैं इसको ये नहीं मानता कि अंडर या ओवर में, मैं ये मानता हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में बड़ा काम करने से आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती, ये मेरे जीवन का फलसफा है। जो काम हाथ में है उसे गरिमापूर्ण तरीके से करने से आपको सफलता मिलती। अगर आप हमारे डिसीशन के ऊपर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लिए हैं। कौन होगा कि अच्छा भला पता लगा कि दुश्मन और संघर्ष जैसे जाइंट कैरेक्टर करने के बाद कौन एक्टर होगा कि जो कहेगा कि चलो हासिल करते हैं 6 सीन है। कौन एक्टर होगा कि पता लगा फिल्मों में लगातार काम करते रहने के बाद अचानक टेलीविज़न पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो वो कर देगा। तो हमने अपने आप को कभी भी किसी मीडियम विशेष में या छवि एक पर्टिकुलर इमेज में बांधने की कोशिश हमारी कभी नहीं रही। अगर रहती तो डेफिनेटली उस लेवल के या उस किस्म के या उस कलर के कैरेक्टर्स आप निरंतर करते रहते, फिर शबनम मौसी भी ना आती हमारे हिस्से में, फिर समर ऑफ 2007 भी ना आती, फिर LOC जैसी फिल्में भी नहीं आती, फिर पता लगा कि डेंजर जैसी या चोट जैसी या अंश जैसी फिल्में भी नहीं आती, फिर हम्प्टी शर्मा भी नहीं आती। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो आज हम और आप देखते हैं कि टेलीविज़न और फिल्मों के बीच में कोई अंतर नहीं है। टेलीविज़न पे स्थापित लोग फिल्में कर रहे हैं और फिल्मों में स्थापित लोग टेलीविज़न कर रहे हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने टेलीविज़न किया तो फिल्में नहीं मिलती थी, और फिल्में की हैं आपने तो टेलीविज़न कर लेंगे अगर आप, तो वापस आप फिल्में नहीं मिली। तो कह 20 साल बाद आज 50 साल बाद गब्बर सिंह ही क्यों याद आता है, मोगेम्बो ही क्यों याद आता है। तो ये किरदारों ने पता लगा कि एक गब्बर सिंह ने या एक मोगेम्बो ने आपको टाइमलेस बना दिया, तो एक लज्जा शंकर ने या एक गोकुल पंडित ने आशुतोष राणा को उस श्रेणी के अभिनेताओं में रख दिया कि नाउ टाइमलेस। तो वो जो चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बनस्पत इस बात के कि यार ख़त्म हो गया। आज भी लोगों को ये लगता है कि यार यूज़ हिम, गिव हिम अपॉर्चुनिटीज़। तो उसमें जो उपलब्ध अवसर हैं, अब जैसे हम ये कहें कि भाई हाँ लज्जा शंकर या दुश्मन की तर्ज का कोई किरदार किसी और एक्टर ने कर लिया होता और मैं ना कर पाता, मेरे हिस्से में नहीं आता, तो अपन ये सवाल खड़ा करते कि व्हाई नॉट यू। लेकिन वैसे किरदार किसी और एक्टर ने किए ही नहीं, इसका मतलब है कि वो लिखे ही नहीं गए। तो जब लिखे ही नहीं गए, लिखे ही नहीं जा रहे, तो आप कहाँ से करेंगे? तो फिर आप वही करेंगे जो उपलब्ध है।